स्टूडेंट आई आज क्लास सेकंड की चैप्टर नंबर हम 14 पढ़ेंगे। ये हमारी बुक है, हमारे बुक का क्या नाम है, स्मृति। ओके बेटा, आज हम किसकी स्टडी करेंगे, हिंदी की करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है तितली आई। आपने देखा है ना, पेड़ पौधों पर रंग बिरंगी तितलियाँ बैठने, देखो यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है ना, प्रिंट दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी तितलियाँ होती हैं, तितलियाँ भी कितनी तरह की होती है, रंग बिरंगी होती है, और तितलियाँ बहुत ही सुंदर होती है। और पता है तितलियाँ किसका रस चूसती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता ही है किसका रस चूसती हैं, ठीक है। आइए हम स्टोरी, ये कविता है जो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या दे रखा है हमें। सुंदर सुंदर आई तितलियाँ, रंग बिरंगी आई तितलियाँ, तरह तरह के पंख हैं इनके, अजब अनोखे रंग है जिनके। क्या बताया गया इसमें, तितलियाँ कैसी है, सुंदर सुंदर है, ठीक है, और कैसे आती हैं वो। फिर है कैसी होती है तितलियाँ, रंग बिरंगी होती हैं, और उनके पंख कैसे होते हैं, उनके तरह तरह के पंख होते हैं। देखो सबके अलग अलग शेप में दिखला रखे ना, देखो इसका कितना लंबा है, इसका थोड़ा छोटा है, फिर इसका देखो आगे आगे वाला बड़ा है और पीछे वाला छोटा है। तो तरह तरह के पंख इनके, अजब अनोखे रंग है जिनके। देखो सब आपने देखा है, सब तितलियों में रंग अलग अलग है, और किसी किसी तितलियों में दो तरह के रंग है। जैसे ये देखो रेड कलर की तितली है, इसमें कितनी येलो की शेड भी आ रही है। देखो ये रेड है, इसमें रेड है, और येलो की शेड इसमें ज़्यादा आ रही है, बट इसमें येलो की शेड कम आ रखी है, मतलब कि पीले रंग की शेड कम आ रखी है। तो इनके रंग भी जो कैसे हैं वो अनोखे हैं, ठीक है। फूलों से लेकर परागिए जगह जगह बिखरा जाती, उड़ती हुई देखकर जिनको मन में मस्ती छा जाती। आपने देखा है ना, अगर आपके पास आसपास भी पेड़ से फूलों से बैठकर जब तितलियाँ इधर उधर घूमने लगती है और आपके पास आ जाती है, तो आप क्या सोचते हो, क्यों हम भी इनको पकड़ लें, क्या कर लें, हम भी इनको पकड़ लें, ठीक है। तो इसमें बताया गया है जो तितलियां हैं फूलों से क्या लेके आती है, पराग लेके आती है, ठीक है, और फिर जगह जगह क्या कर देती है, बिखरा देती हैं। और उड़ती हुई तितलियों को देखकर लोगों के मन में क्या आ जाती है, मस्ती छा जाती है। उनका जो उनका फेस है, उनके मुंह पे क्या आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, उनके मन के अंदर मस्ती, मतलब मस्ती करने का मन हो जाता है, छा जाता है उनका मन, ठीक है। तो बेटा ये हमारा जो था, जो 14 चैप्टर है तितली आई, ये सेकंड क्लास की पोयम है एक, तो मैंने आपको दो पैराग्राफ पढ़ाए हैं, ठीक है, दो पैराग्राफ पढ़ाए हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन मैं जो दे रही हूँ आपको, सिर्फ पहले क्वेश्चन नंबर को शब्द अर्थ सिर्फ आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं, ओनली रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है, थर्ड करना है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आपको किस में करने हैं, तीनों क्वेश्चन आपको अपनी बुक में करने हैं बेटा। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारे जो दो पैराग्राफ बचे हैं, थर्ड और फोर्थ जो पैराग्राफ बचे हैं वो करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मैंने कर लिए हैं, ठीक है, और मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास हमारी फर्स्ट है बच्चों, सेकेंड क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके।